दोस्तों आईपीएल 2022 में आज का मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था और इस मैच के खत्म होने के बाद आईपीएल 2022 के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2022 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए कितना मैच जीतना पड़ेगा और साथ ही साथ पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किस प्लेयर के पास मौजूद है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जोड़ देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जोड़ करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि रॉयल इलेवन ही एक ऐसा ऐप है जहां पर आपको 25 लाख का लीडर बोर्ड 11 तारीख को देखने को मिलेगा। इसके अलावा रॉयल इलेवन पर आप 1 लाख जमा करते हो तो आपको 5% इंटरेस्ट भी मिलेगा जो बैंक भी नहीं देती। जितना जमा करोगे उसका 5% मिलेगा और इस ऐप को अपने फ्रेंड को शेयर करके 2000 रुपए जीत सकते हैं। यहाँ पर डेली गिव अवे चलता है जहाँ पर आपके पास मौका है आईफोन जीतने का। तो देर किस बात की, दिनेश कार्तिक भी रॉयल इलेवन को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप भी रॉयल इलेवन को डाउनलोड करो, लीडर बोर्ड का हिस्सा बनो और बहुत सारे इनाम जीतो। उम्मीद करता हूँ कि जितना प्यार आपने मुझे मेरे प्रोफेशनल करियर में दिया है उतना ही प्यार और साथ यहाँ भी देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2022 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया और इस जीत के बाद आईपीएल 2022 के पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। तो पॉइंट टेबल में 10वें पोजीशन पर है 5 बार की चैंपियन और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम। और मुंबई की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 9 मैच खेले हैं जहां पर 1 मैच में मुंबई इंडियंस की टीम जीत गई और 8 मैचों में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 9 में से 1 मैच जीत करके 2 अंकों के साथ एमआई की टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और इस टीम का नेट रन रेट -0.836 है और मुंबई इंडियंस की टीम प्ले ऑफ के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। इसके बाद पॉइंट टेबल में 9वें पोजीशन पर है डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि आज के मैच की हारने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 10 मैच खेले हैं जहां पर 3 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीत गई और 7 मैचों में चेन्नई की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 10 में से 3 मैच जीत करके 6 अंकों के साथ चेन्नई पॉइंट टेबल में 9वें पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट फिलहाल माइनस में चल रहा है। और आज आरसीबी से हारने के बाद चेन्नई की टीम प्ले ऑफ के दौर से पूरी तरीके से क्वालिफाई बाहर हो चुकी है यानी कि अब चेन्नई प्ले ऑफ में नहीं जा पाएगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन पर है श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 10 मैच खेले है जहाँ पर 4 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीत गई और 6 मैचों में केकेआर की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 10 में से 4 मैच जीत करके 8 अंकों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट +0.060 है। और यहां पर से केकेआर की टीम को प्लेऑफ में जाने के लिए बाकी बचे 4 में से 4 मैच जीतना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से कोलकाता की टीम इस साल प्लेऑफ में जा पाएगी या नहीं, कमेंट में जोड़ बताएं। के बाद पॉइंट टेबल में 7वें पोजीशन पर है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 9 मैच खेले हैं जहां पर 4 मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत गई और 5 मैचों में दिल्ली की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 9 में से 4 मैच जीत करके 8 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल में 7वें पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट +0.5
587 है और यहां पर से दिल्ली कैपिटल्स की टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए बाकी बचे पांच में से कम चार मैच जीतना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस साल प्ले ऑफ में जा पाएगी नहीं, कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में छठवें पोजीशन पर है पंजाब किंग्स की टीम और पंजाब किंग्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 10 मैच खेले हैं, जहां पर पांच मैच में पंजाब किंग्स की टीम जीत गई और पांच मैचों में पंजाब की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 10 में से पांच मैच जीत करके 10 अंकों के साथ पंजाब किंग्स पॉइंट टेबल में छठवें पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट -0.229 है और ये टीम आईपीएल 2022 में प्ले ऑफ में जाने के लिए कम से कम तीन मैच जीतना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से पंजाब किंग्स की टीम इस साल प्ले ऑफ में जा पाएगी नहीं, कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में पांचवें पोजीशन पर है केन विलियमसन की कप्तानी वाली यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 9 मैच खेले हैं, जहां पर पांच मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत गई और चार मैचों में एसआरएच की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 9 में से पांच मैच जीत करके 10 अंकों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में पांचवें पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट +0.471 है और इस टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए बाकी बचे पांच में से तीन मैच जीतना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस साल प्ले ऑफ में जा पाएगी नहीं, कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर है आज के मैच की विनर और आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 11 मैच खेले हैं, जहां पर 6 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जीत गई और 5 मैचों में आरसीबी की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 11 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट फिलहाल माइनस में चल रहा है और यहां पर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए बाकी बचे तीन में से सिर्फ 2 मैच जीतना जरूरी है, यानी कि आरसीबी की टीम अगर 2 मैच जीत जाती है तो ये टीम आसानी से आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ में चली जाएगी। हालांकि इसके लिए आरसीबी की टीम को अपना नेट रन रेट भी सुधारना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इस साल आरसीबी प्ले ऑफ में जा पाएगी नहीं, कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर है आईपीएल इतिहास की पहली चैंपियन और संजू सैमसन की कप्तानी वाली यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 10 मैच खेले हैं, जहां पर 6 मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत गई और 4 मैचों में राजस्थान रॉयल्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 10 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट +0.340 है और यहां पर से राजस्थान रॉयल्स की टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए बाकी बचे चार से कम 2 मैच जीतना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से इस साल आरआर की टीम प्ले ऑफ में जा पाएगी नहीं, कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में सेकंड पोजीशन पर है केएल राहुल की कप्तानी वाली यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 10 मैच खेले हैं, जहां पर 7 मैच में लखनऊ सुपर जायंट की टीम जीत गई और 3 मैचों में लखनऊ की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 10 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ लखनऊ सुपर जायंट पॉइंट टेबल में सेकंड पोजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट +0.397 है और यहां पर से लखनऊ की टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए बाकी बचे 4 में से सिर्फ 1 मैच जीतना जरूरी है। तो ये टीम आसानी से प्ले ऑफ में चली जाएगी। तो आपके हिसाब से लखनऊ की टीम प्ले ऑफ में जा पाएगी नहीं, कमेंट में जोड़ बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल टॉपर के बारे में बात करें तो यहां पर है हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम और गुजरात टाइटंस की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 10 मैच खेले हैं, जहां पर 8 मैच में गुजरात टाइटंस की टीम जीत गई और 2 मैचों में गुजरात की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से टोटल 10 में से 8 मैच जीत करके 16 अंकों के साथ गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल में टॉप पर है
और इस टीम का नेट रन रेट +0.158 है। और यहां पर से गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ में ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है, यानी कि गुजरात पहली ऐसी टीम बन चुकी है जो कि आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ में पूरी तरीके से जा चुकी है। तो आपके हिसाब से गुजरात टाइटंस के बाद अब कौन कौन सी तीन टीमें इस साल प्ले ऑफ में जाएगी, तीनों टीमों का नाम कमेंट बॉक्स में जोड़ बताएं। तो अब बात करते हैं पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, बाउंड्री किंग और सिक्सर किंग के बारे में। तो ऑरेंज कैप जॉस बटलर के पास है जो कि अभी तक टोटल 10 मैचों में 588 रन बना चुके हैं। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर है केएल राहुल जो कि 10 मैचों में 451 रन बना चुके हैं। वहीं थर्ड पोजीशन पर है शिखर धवन जो कि 10 मैचों में 369 रन बना चुके हैं। इसके बाद पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल के पास है जो कि 10 मैचों में 19 विकेट ले चुके हैं। सेकेंड पोजीशन पर है कगिसो रबाडा जो कि 9 मैचों में 17 विकेट ले चुके हैं। वहीं थर्ड पोजीशन पर है कुलदीप यादव जो कि 9 मैच में 17 विकेट ले चुके हैं। इसके बाद सिक्सर किंग के बारे में बात करें तो इस सीजन में सबसे अधिक छक्का जॉस बटलर ने लगाया है, जहां पर बटलर ने 10 मैचों में 36 छक्के मारे हैं। इसके बाद सबसे अधिक चौका भी जॉस बटलर ने ही लगाया है, जहां पर बटलर ने 10 मैचों में 50 चौके मारे हैं। तो यही था आईपीएल 2022 में आज का नया पॉइंट टेबल, पर्पल कैप ऑरेंज कैप से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।